सुप्रभात बच्चों, साई राम। और आप सबकी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। इस समय आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे। आशा करती हूँ आप सभी की परीक्षाएं बहुत अच्छी हुई होंगी, तभी आप इतना खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आपके हिंदी विषय के अंकों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। जैसे मैंने पढ़ाया वैसे आपने मेहनत नहीं की है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। या तो आपको समझ में नहीं आया है या आपने पढ़ा ही नहीं है। मेरे को लगता है कुछ बच्चों ने केवल वीडियो देखी है लेकिन परीक्षा के समय फिर से रिवीजन भी नहीं किया है, तभी इतने कम अंक हैं। हिंदी विषय ऐसा है कि अगर हम थोड़ा सा भी पढ़ें तो हमारे अच्छे अंक आ सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। हिंदी विषय को मैंने देखा कुछ बच्चे इग्नोर भी करते हैं, लेकिन बच्चों आपने देखा है हिंदी में कभी कंपार्टमेंट भी नहीं आती। और हिंदी सब्जेक्ट हमारा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इससे हमारी परसेंटेज अच्छी हो जाती है। तो इसलिए हिंदी को भी हमें मेहनत से पढ़ना चाहिए, दिल से पढ़ना चाहिए। हिंदी में क्या है कि अगर हम थोड़ा सा भी अगर मन लगा के पढ़ें, अगर टीचर पढ़ा रही है उसको हम ध्यान से सुने तो हमें तभी याद हो जाता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या कमी रह गई कि कुछ बच्चों के अंक कम आए हैं। जिसके 15 से कम है तो उसको तो बहुत मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि ऑनलाइन में तो और अच्छे अंक आने चाहिए। MCQ थे, ये भी नहीं कि उसको अधिक लिखना था तो नंबर हमारे अच्छे आने चाहिए थे, लेकिन आपके ऐसे नहीं आए हैं। जिन बच्चों के नहीं आए हैं उनको और मेहनत की आवश्यकता है। आपको मैं जानकारी देती हूँ कि हमारे 3 PT होते हैं, PT 1, PT 2, PT 3, और इनमें से जो बेस्ट 2 होते हैं उनका एवरेज हमारा बोर्ड में जाता है। तो इस समय आपके पास 2 अवसर और हैं जिसमें आप अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप अच्छे अंक लाने का प्रयास करेंगे, और अभी से आप ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको पढ़ाऊँगी और जो मैं आपको गृह कार्य में दूँगी तो उसको भी आप मन से याद करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर फिर भी आपको कोई संदेह है या कोई शंका है, मन में कोई शिकायत है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक नोटबुक में उन सब को नोट करेंगे और जब PTM होगी तो PTM में आप उसको बताएंगे, जिससे आपकी शंका को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी अब मेहनत करनी होगी और हिंदी में भी अच्छे अंक लाने होंगे, ठीक है। अब वायदा कीजिए सभी अब 100% वाली मेहनत करेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, हमारा हिंदी में चैप्टर कौन कौन से हुए थे। क्षितिज चल रहा था, क्षितिज में हमने काव्य खंड में सूरदास जी कर लिए थे हमने। उसके बाद हमने कौन सा किया था, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की दोनों कविताएं की थी, उत्साह और अट नहीं रही है, ठीक है। गद्य खंड में हमारा नेताजी का चश्मा हो गया था। आज हम यहाँ लेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी जी का बाल गोविंद भगत, ठीक है। उधर हमने कृतिका में माता का आंचल पढ़ लिया था, यही हुआ ना दोनों पुस्तकों में से। आगे चलो अब ये लेते हैं पाठ 11, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का बाल गोविंद भगत, ठीक है। उपविषय हमारा गद्यखंड क्षितिज, प्रकरण क्या है हमारा बाल गोविंद भगत, और लेखक कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी। चलिए अब जीवन परिचय देखते हैं। ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, इनका जीवन परिचय देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ था, अर्थात 1899 में इनका जन्म हुआ था।
माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण इनके जो आरंभिक वर्ष थे, शुरू के वर्ष थे, वो बड़ी ही कठिनाइयों में बीते हैं। इनका जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा है। दसवीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने 1920 अर्थात 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए थे। ये कई बार जेल भी गए थे और 1968 अर्थात 1968 में इनका देहांत हो गया था। 15 वर्ष की आयु में ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। ये बहुत ही प्रतिभाशाली पत्रकार थे और इन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक योगी, जनता, जनमानी और नई धारा उल्लेखनीय है। ठीक है, गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली है। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। मतलब कि जो किस नाम से फेमस है, वो किस नाम से प्रसिद्ध है, बेनीपुरी रचनावली। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, ये इनका उपन्यास है, चिता के फूल ये कहानी है, अम्बपाली ये नाटक है, माटी की मूर्ति ये रेखाचित्र है। रेखाचित्र किसे कहते हैं कि किसी का शब्दों में वर्णन करना। ठीक है, कोई हमारे सामने चित्र है और उसका हमने शब्द में वर्णन किया तो उसको रेखाचित्र कहा जाता है। पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृतांत है, जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में आपको? ये सब इनकी रचनाएं हैं, इनका जन्म वगैरह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब अपना पाठ शुरू करते हैं। यह एक रेखाचित्र है। इन्होंने इसके माध्यम से जो हमारे समाज में मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, उन पर उठारा प्रहार किया है। जो पुरानी मान्यताएं थी उनका खंडन करने का प्रयास किया है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने, और इसमें इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र का भी चित्रण बड़ी ही सुंदर तरीके से किया है। तो आइए पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप सभी कि यहाँ पे देखिए किस प्रकार से उनका रेखा चित्र खींचा है। बाल गोविंद भगत जी कैसे थे? बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो मंझोले कैसे होते हैं? जो ना तो बड़े होते हैं और ना ही छोटे होते हैं, तो बीच के कद के होते हैं, गोरे चिट्टे आदमी थे। उनको देखकर ऐसा लगता था कि वे 60 के ऊपर के होंगे। बाल पक गए थे। बाल पकना एक मुहावरा है, बाल पकना होता है बाल सफ़ेद हो जाना, या ये भी कह सकते हैं अनुभवी होना। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर बाल सफ़ेद होने से है। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली, कमली किसको बोलते हैं? कंबल को। ठीक है, ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। मतलब यहाँ से शुरू होता था, वो यहाँ तक जाता था वो टीका इनका। ठीक है, आगे गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल ग्रस्त। मतलब वो ये सब चीज़ें तो पहनते थे,
और लेकिन वो गृहस्थ जीवन भी जीते थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। पतोहू किसको कहते हैं? बेटे की स्त्री को, ठीक है, जो बहू होती है बेटे की तो उसको पतोहू कहा जाता है। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को सहा मानते थे। तो यहाँ पर क्या है, वो कबीरदास जी जो हैं उनको अपना आदर्श मानते थे, वो उनके तरीके से ही रहते थे, भजन कीर्तन भी करते थे। और जैसे कबीरदास जी ना किसी झूठ बोलते थे ना किसी पर अत्याचार करते थे, तो ये भी उसी प्रकार से करते थे। कबीरदास जी उनके गुरु थे, आदर्श थे, हमेशा वो उनको अपना सहा मानते थे, ठीक है। इसलिए ही वैसे ही टोपी पहनते थे जैसे कबीरदास जी पहनते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार करते। खराब व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है सबके साथ, ठीक है। किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, हमेशा किसी से लड़ाई भी नहीं करते थे वो, किसी की चीज़ न छूते थे, न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे, कभी किसी की चीज़ उठाते भी नहीं थे, और बिना पूछे कभी किसी की चीज़ को प्रयोग भी नहीं करते थे, ठीक है। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गरजते लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, अर्थात वो जो साहब किनको मानते थे, कबीरदास जी को, तो वो उनकी तरीके से ही करते थे। जो वो उनकी आदतें थी, उनके काम करने के तरीके थे, वो सब साहब की तरीके से ही थे। साहब कौन थे उनके? कबीरदास जी, ठीक है। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर वो सबसे पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से चार कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वे दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाकर उसी से गुजर चलाते। तो मतलब ये क्या करते थे बाल गोविंद भगत जी, कि खेत में जो कुछ भी होता था तो वो क्या करते थे, सबसे पहले उसको ले जाकर साहब के दरबार में ले जाते, और वहाँ पर जो उनको प्रसाद भी मिलता था उससे वो घर चलाते थे। ये नहीं कि जो खेत में हुआ अपने सब घर में पकाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं था। वे सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते थे, वहाँ पर देते थे, और उनको प्रसाद में जो मिलता था वो उससे अपना गुजर चलाते थे। गुजर चलाना, अपनी जीविका चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते हैं। तो बाल गोविंद भगत जी कबीरदास जी के पद गाते थे, जो उनके पद हैं ईश्वर की भक्ति में लीन होकर वे ही भजन वगैरह गाते रहते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ की रिमझिम आती है, ये आपका जून और मई के माह में आषाढ़ शुरू हो जाता है, उस समय का यहाँ पे दिखाया है। उस समय हल्की बारिश होती है सावन से पहले का। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, रोपनी है कि बुआई चल रही है, मतलब कि खेत में कोई करते हैं रोपनी है कि उस बोने का भी काम चल रहा है, उसमें पानी दिया जा रहा है, कोई हल चला रहा है, वहाँ पे खेतों में काम हो रहा है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, मतलब कि ये कल्पना करके देखो कि वहाँ जो गांव का दृश्य है वो कितना सुंदर लग रहा है। बच्चे उछल रहे हैं, कहीं कोई काम कर रहा है, कोई हल चला रहा है, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं,
ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई पूरब से चलने वाली हवा, इसको पुरवाई कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या, यह कौन, यह पूछना न पड़ा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिवत खेत में बैठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। मतलब जो बाल गोविंद भगत जी हैं वो अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, शरीर पे उनके कीचड़ लगा हुआ है और वे धान बो रहे हैं। धान के एक एक पौध को वो पंक्तिबद्ध लाइन से लगा रहे हैं उनको। और जो उनके कंठ से जो कबीर के पद निकल रहे हैं, भजन निकल रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन स्वर्ग में पहुंच गए। वो इतना मीठा गान कि सब मोहित हो गए हैं वहाँ पर। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर, बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। मेड़ जानते हो जो होता है, खेत होते हैं, खेत में जो डोल बनी होती है ऊपर वो मिट्टी उठा लेते हैं, उसको मेड़ बोलते हैं। उस पर चलती रहती हैं, चलने का भी होता है रास्ता, तो वहाँ पर खड़ी हैं तो गुनगुनाने लगती है। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, मतलब कि जो बाल गोविंद भगत जी भजन गा रहे हैं उसको सुनकर जो वहाँ की औरतें हैं वे भी गुनगुना रही हैं। वहाँ पर जो है पैर भी उसी प्रकार से उठ रहे हैं उनके। रोपनी करने वालों की उंगलियाँ एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू? तो जादू किससे कहा गया है, या जादू बाल गोविंद भगत के संगीत को कहा गया है? एक प्रश्न आ जाता है ये कि बाल गोविंद भगत का जादू किससे कहा गया है, उनके संगीत को कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बहादुर की अधेरी अधरतिया है, अधरतिया बोलते हैं आधी रात। ठीक है, बहादुर की वह अधेरी अधरतिया है, अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ सुना हो, किंतु ये गिल्ली की झंकार, दादरों की टर टर, दादरों मेंढक को कहा गया है यहाँ पर। बाल गोविंद भगत के संगीत को कोलाहल में डुबो नहीं सकती, उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खंजड़ी किसे कहते हैं, एक ढपली जैसा वाद्य होता है, उसको बाल गोविंद भगत जी बजाते हैं। तो इसमें ये भी है कि बाल गोविंद भगत जी क्या बजाकर भजन गाते थे, एक प्रश्न ही आ जाता है। तो क्या बजाते थे, वो खंजड़ी बजाते थे। और वे गा रहे थे, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चीहू उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वे समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चीहू उठती है, उसी भरे बादलों वाले बादों की, आधी रात में उनका ये गाना, अंधेरे में अकस्मात कौंद उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चुका देता है। अकस्मात में अचानक, जो एकदम बिजली उठती है, ऐसा लगता है इसने चुका दिया हो। अरे अब सारा संसार निस्बदा बे सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा। तो मतलब है कि वहाँ पर सब सो रहे हैं लेकिन बाल गोविंद भगत भजन कीर्तन कर रहे हैं और वे जाग रहे हैं और ये भजन गा रहे हैं, तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा। मतलब ये रात भर खंजरी बजाते थे और भजन कीर्तन करते थे, कबीर के पद गाते रहते थे। ऐसे थे हमारे बाल गोविंद भगत। इतना आपको समझ में आ गया है, आज हम यहीं तक लेंगे और आगे की वीडियो में इससे आगे मैं आपको समझाऊंगी। इसमें से मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी, आप वे करेंगे तो इसको ध्यान से करेंगे, आगे से आप ध्यान से पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आपको फिर भी कोई संदेह है तो जैसे मैंने आपको कहा है कि एक नोटबुक में आप नोट करते रहिए और फिर क्या कीजिए कि जब पीटीएम होती है तो उसमें आप
बताएंगे जिससे आपके संदेह को दूर किया जाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आप प्रश्न करेंगे, इसको ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे भी। ठीक है, धन्यवाद। साईं राम। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।